नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। क्या आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आपका घर बन रहा है? कहीं आपके यहाँ नॉर्थ के भाग में सीढ़ी तो नहीं बन रही, या जो आपने प्लानिंग किया उस प्लानिंग में नॉर्थ के भाग में सीढ़ी तो नहीं आ रही? वास्तु के अनुसार नॉर्थ के भाग में सीढ़ी को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। यदि आपके यहाँ जो आपकी बिल्डिंग बन रही है उसमें नॉर्थ के भाग में सीढ़ी बन चुकी है, काम चल रहा है, तो मैं आपको एक बात जरूर कहूँगा, और जो व्यक्ति अपना नया घर बनाने जा रहे हैं वो भी अपने घर के अंदर जो नॉर्थ के भाग में सीढ़ी बन रही है उसके बारे में भी अच्छे तरीके से समझे। जब आपकी सीढ़ी बनने का नंबर आए तो आपको ध्यान रखना है, सीढ़ी बनाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। नॉर्थ के भाग में सीढ़ी को गलत क्यों माना गया है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा। आपने हमेशा देखा होगा जिस घर के अंदर आप रह रहे हैं वो आपका अपना है या किराए का है, उसमें जो पहले 3 से 4 स्टेप होते हैं उन्हें राजमिस्त्री ठोस कर देता है, यानी ईंटों का ठोस प्लेटफॉर्म बना देता है और उसके ऊपर स्लैब रख के स्टेप्स को बनाता है। यानी जो ठोस प्लेटफॉर्म होता है उस पर 3 से 4 स्टेप बनते हैं और उसके बाद स्लैब के ऊपर स्टेप बना दिए जाते हैं या स्टेप वाली सीढ़ी को बना दिया जाता है। ऐसे में जो आपका नॉर्थ का भाग है उसमें ठोस प्लेटफॉर्म 3 से 4 स्टेप के कारण बन जाता है, जिसकी वजह से घर का नॉर्थ का भाग पूरे घर के फर्श के लेवल से ऊंचा हो जाता है, यानी ठोस हो जाता है। ऐसा होने से घर के अंदर पैसे आने के साधन कम होते हैं। इसी के साथ जो दूसरी समस्या आती है, जब सीढ़ी नॉर्थ के भाग में बनती है तो छत के ऊपर सीढ़ी की ममटी भी बनाई जाती है, उसके कारण घर का नॉर्थ का भाग ऊंचा हो जाता है। पैसे आने के साधन तो कम होते हैं, इसी के साथ कर्ज बढ़ने के रास्ते भी बन जाते हैं। आपके यहाँ छत के ऊपर सीढ़ी की ममटी बनाकर उसके ऊपर पानी के ओवरहेड टैंक की व्यवस्था की है, या आप ओवरहेड टैंक रख रहे हैं, या जिनके यहाँ नॉर्थ के भाग में सीढ़ी बनी हुई है और उन्होंने अपने वहाँ पर पानी के ओवरहेड टैंक छत के ऊपर रखे हैं, तो ये मान लीजिए उनके यहाँ कर्ज बढ़ने के रास्ते हमेशा बने रहते हैं। कर्ज बढ़ता है, व्यापार में तरक्की तो होती है लेकिन बार बार ब्रेक लग जाते हैं, कर्ज बढ़ जाता है, सारी पूंजी ब्याज के अंदर चली जाती है। इसलिए कभी भी नॉर्थ के भाग में सीढ़ी को अच्छा नहीं माना गया। यदि हम थोड़ी सी सावधानी बरतते हैं और नॉर्थ के भाग में सीढ़ी बनाते हैं तो उसके कुछ अलग से फ़ायदे भी होते हैं। जैसे हर फ्लोर पर, यानी जितनी भी मंजिल बनाते हैं उनमें सभी की जो एंट्रेंस होती है वो नॉर्थ के भाग से हो जाती है। जब सीढ़ियों से ऊपर से नीचे उतरते हैं तो हमेशा नॉर्थ के भाग में नीचे की ओर आते हैं, और नॉर्थ के भाग से ऊपर की ओर जाते हैं, अपने फ्लोर पर जाते हैं, तो जो घर की एंट्रेंस है वो नॉर्थ की हो जाती है। ये वास्तु में सबसे अच्छा माना जाता है। इसी में मैं आपको एक बात और बताऊँगा, जो आपके नॉर्थ के भाग में सीढ़ी बनेगी वो भाग हमेशा खुला और खाली हो जाता है। जब आप 3 से 4 स्टेप की ठोस चौकी जमीन के अंदर बनाते हैं और पहला स्टेप फर्श के ऊपर होता है और बाकी के सारे स्टेप बिना फर्श को छुए बनते हैं, नीचे से सीढ़ियों के नीचे से एरिया खाली होता है, तो उसमें कोई भी दोष नहीं लगता। इसी के साथ जो दूसरा फायदा मिलता है, जब सीढ़ी नॉर्थ के भाग में बनती है तो जो नॉर्थ का भाग है उस एरिया में पार्किंग एरिया भी बनाया जाता है, और वो एरिया यानी नॉर्थ का जो एरिया है जहाँ पर आप सीढ़ी बना रहे हैं वो एरिया आपका हमेशा के लिए खुला और नीचा हो जाता है। अब जो छत के ऊपर कमी आती है, जो छत के ऊपर ममटी बनती है, वो बिल्कुल गलत है। यदि आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आपका काम चल रहा है तो पॉसिबल हो तो आप एक काम जरूर करें, जो आपकी सीढ़ी ग्राउंड से फर्स्ट से सेकंड से थर्ड और थर्ड से जो टॉप फ्लोर पर जाकर ममटी बनती है, आप वो ममटी ना बनाएं। आप अपने स्टेयर्स को टॉप फ्लोर पर ले जाकर ख़त्म कर दें। छत पर जाने के लिए आप साउथ के भाग से या वेस्ट के भाग से सीढ़ी बनाते हैं तो उससे आपका होगा क्या, साउथ का भाग ऊँचा हो जाएगा या वेस्ट का भाग ऊँचा हो जाएगा? साउथ में सीढ़ी बनाएंगे तो साउथ का भाग ममटी के कारण ऊंचा हो जाएगा, और वेस्ट में सीढ़ी बनाएंगे तो वेस्ट में ममटी के कारण वेस्ट का हिस्सा ऊंचा हो जाएगा। साउथ में सीढ़ी बनाने से पैसे आने के जो रास्ते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं और पैसा आता है, और जो वेस्ट में
सीढ़ी की ममटी बनाते हैं, उसके कारण उन्नति होती है, तरक्की होती है। यदि आपकी ममटी नॉर्थ के भाग में बन चुकी है, दीवारें खड़ी हो चुकी है, स्लैब डल चुकी है, तो मैं आपको एक बात कहूँगा, होता क्या है, ममटी नॉर्थ के भाग में बनने से नॉर्थ का भाग ऊंचा हो जाता है। ये तो एज पर वास्तु गलत है ही, लेकिन ये काम हो चुका है तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा, सीढ़ियों में जो नीचे से गर्म हवाएं उठती है और वो सीढ़ी की ममटी में ऊपर जाकर इकट्ठी हो जाती है और वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं बनता, इसके कारण नॉर्थ का भाग हमेशा गर्म रहता है। इसके लिए आपको करना क्या है, जो आपकी ममटी है उसमें ईस्ट वॉल पर, वेस्ट वॉल पर और साउथ वॉल पर, नॉर्थ में ऑप्शन है तो नॉर्थ वॉल पर भी चारों तरफ एक एक खिड़की ज़रूर लगाएं, उनमें जाली भी लगाएं और उन खिड़कियों को खोल के रखें ताकि जो गर्मी आपकी नीचे से ऊपर उठी है वो एयर क्रॉसिंग के कारण आपकी बाहर रिलीज हो जाए, निकल जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, खिड़कियां नहीं लगा सकते, तो मैं आपको एक बात और कहूँगा, आपके ईस्ट में और वेस्ट में एक एक वेंटिलेटर रोशनदान जरूर लगाएं और उनमें आपने एक एक एग्जॉस्ट फैन भी जरूर लगाना है और उनका इस्तेमाल करना है ताकि जो ममटी के अंदर गर्मी इकट्ठी हुई है वो गर्मी आपकी सारी साथ के साथ बाहर निकल जाए, वो एरिया ठंडा रहेगा तो आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहूँगा, जो आपकी ममटी है उस ममटी से लंबाई चौड़ाई और ऊँचाई में एक बड़ा कमरा साउथ वेस्ट के भाग में जरूर बनाएं। ऐसा करने से जो आपकी ममटी का दोष है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसी के साथ जो ममटी के ऊपर आपने पानी के ओवरहेड टैंक रखने की व्यवस्था की हुई है, मैं आपको ये कहूँगा कि आप उन पानी के टैंक्स को यहाँ से हटाकर साउथ वेस्ट के भाग में वेस्ट की दीवार के साथ रखें। सारे कनेक्शन आपके वहाँ पर आए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन और आउट के कनेक्शन आप बढ़ाकर उनको साउथ वेस्ट के भाग में लेकर जाएं। ऐसा करने से आपके यहाँ जो नॉर्थ में ममटी बनी है उसका दोष काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और साउथ वेस्ट के भाग में वेस्ट की दीवार के साथ पानी के ओवरहेड टैंक आ जाएंगे तो घर के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, ठहराव आएगा और पैसे का भी ठहराव बनेगा, परिवार के अंदर अच्छे संबंध भी होंगे। जो बातें मैंने आपको बताई है बिल्कुल बारीकी से प्रैक्टिकली सारे पॉइंट आपको क्लियर किए हैं, क्यों घर के अंदर नॉर्थ के भाग में सीढ़ी को गलत माना जाता है और कैसे हम इनको सही कर सकते हैं। आपका घर बन रहा है तो आप बनते हुए घर में हल्के फुल्के चेंजेस करके इसे ठीक भी कर सकते हैं। आप नई प्लानिंग कर रहे हैं घर बनाने की, तो इन बातों का ध्यान रखकर ही आप अपने घर के अंदर सीढ़ी को बनाएं। यदि आपका अपना घर बना हुआ है और आपके यहाँ पैसे से संबंधित समस्याएं आई हुई है, कर्ज बढ़ रहा है, नए अवसर नहीं मिल रहे, तो उसके लिए जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, जो आपकी ममटी है वहाँ पर एग्जॉस्ट की व्यवस्था जरूर करें, वेंटिलेटर जरूर लगाएं, रोशनदान जरूर लगाएं और उसमें एग्जॉस्ट फैन भी जरूर लगाएं। ग्राउंड फ्लोर पर सीढ़ियों के नीचे जो सामान रखा है उसे सामान को भी यहाँ से हटाना है। ऐसा करने से आपको रिलीफ मिलेगा, आपके यहाँ पैसे आने के साधन बढ़ेंगे, कर्ज उतरने के रास्ते बन जाएंगे। आपने अपने यहाँ पर सिर्फ ये छोटे छोटे बातों का ध्यान रखकर नॉर्थ के भाग में सीढ़ी को बनाना है। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।